नमस्कार, आपका स्वागत है अदिति न्यूज में। हम रुक करते हैं गाडरवारा नगर के बाढ़ में बनी हुई सहकारी समिति मूल्य की दुकान में, जहां पर गरीब हितकारियों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है। आपको बता दें कि यह खाद्यान्न लगातार कुछ दिनों से घटिया क्वालिटी का वितरण किया जा रहा है, जिसके चलते हितग्राही मजबूर हैं इस कीड़ेदान खाद्यान्न खाने को। इसकी शिकायतें कई बार की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन है, कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन इन गरीबों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह इस चावल में कीड़े बीन कर दिखाए जा रहे हैं। देखिए, आप साफ तौर पर दिख रहे हैं बड़े बड़े कीड़े हैं, और यह खाद्यान्न खाने लायक नहीं है, यह जनता बार बार कह रही है। उसके बाद जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई कार्यवाही करते नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब किसान का अनाज खरीदा जाता है तो बहुत क्वालिटी की बात की जाती है और उसके कल्ले को वापस भेज दिया जाता है। वहीं जब सरकार गरीबों को खाना देती है, खाद्यान्न देती है वितरण, तो इस घटिया क्वालिटी को देकर उनको क्या लाभ होता है? कब अधिकारी नींद से जागेंगे और कब इस पर कार्रवाई करेंगे? आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है हितग्राहियों की जुबानी, घटिया खाद्यान्न वितरण की कहानी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। मैं कमल गनवानी, निरंजन वार्ड, गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर। ये चावल जो ले रहे हैं, क्या खाने योग्य हैं आप? क्या आपको संतुष्ट हैं चावल? चावल खाने योग्य नहीं है बिल्कुल, गरीब लोग हैं ले रहे हैं, खाने लायक तो योग्य नहीं है। क्या करते हैं आप इस चावल का? चावल क्या करेंगे, अब मजबूर हैं, धो के खा लेते हैं या फिर बेच देते हैं। कौन सा वार्ड पड़ता है? निरंजन वार्ड, गाडरवाड़ा।